आप जैसे लोग और पांचाल जी जैसे लोग और रोहितास जी और मिर्जा बेग ने बात की है, तो मैं चाहूंगा उमेश भी अपनी बात को संक्षिप्त में रखें के समक्ष रखा है, जिससे दक्षिणी साहित्य जैसे व्यापक विषय को बहुत ही सार गर्भित करके जिस तरह से भी अपनी अभिव्यक्ति दी है वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है कि वह केरल के रहते हुए भी एक दक्षिण बहुत ही सुंदर ढंग से अपने हिंदी में अभिव्यक्ति उन्होंने दी है, जो काबिले तारीफ है, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैंने वैसे सूफी साहित्य के ऊपर मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रश्नों को कुछ घटाकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही अपनी बात को विचार करना चाहूंगा। इससे आपके लोगों की सबकी इजाजत चाहता हूँ और सर्वप्रथम मैं श्री वीसी साहब पठान साहब और प्रोफेसर इकबाल साहब और प्रोफेसर टीवी कट्टमनी का सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके आपसी तालमेल के द्वारा दक्षिणी हिंदी का इतनी बड़ी संगोष्ठी हम लोगों को करने में सफलता हासिल हुई है, तो उनको मैं सबसे प्रथम साधुवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। मेरा विषय है दक्षिणी हिंदी का सूफी साहित्य। दक्षिण हिंदी के साहित्य का अधिकांश भाग सूफी मत से ओतप्रोत है, वैसे ही मेरे प्रपत्र का भी अधिकांश भाग प्रोफेसर मोहम्मद कुंज की रचनाओं से, उनकी पुस्तकों के संदर्भों से पूरी तरह से ओतप्रोत है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वानों के साथ मुझे समक्ष बैठने का मौका मिला और उनके समक्ष अपना प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए मुझे अवसर दिया गया है। दक्षिण हिंदी के वरिष्ठ सूफी साधकों और धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों का सुस्पष्ट रूप से विवेचन किया है, जिनमें प्रमुख नाम हैं ख्वाजा बंदे नवाज, मीराजी शमशुल शाक और बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन अली आला और कासी मोहम्मद बहरी आदि ने सूफी साहित्य को समृद्ध करने में किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखी। सूफी सिद्धांत का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सूफी तत्व इस्लाम पर आधारित है, लेकिन समय और परिस्थिति के विशेष प्रभाव से उसने विविध विचारधाराओं को अपने में समाहित किया है। सूफी फकीरों और संतों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उनमें कट्टरताओं की भावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, यह उनका बहुत ही बड़ा विशाल हृदय वाले हैं। सूफी मत का विशद और विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमें इस बात का पता चलता है कि सूफी मत पर निम्नलिखित विचारधाराओं का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं दिखाई देता है, जिनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। सूफी मत पर इस्लाम और कुरान का प्रभाव है फर्स्ट, दूसरा सूफी मत पर अफलातुनी दर्शन का प्रभाव भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में परिलक्षित हमें दिखाई देता है। नास्तिक मत का प्रभाव है, भारतीय परंपरा और दर्शन का प्रभाव है और स्वतंत्र चिंतन का प्रभाव है। सूफी तत्व अन्य धर्म और दर्शनों की भांति अनंत, अदृश्य, असीम संज्ञा और खोज, उससे साक्षात्कार और सायुज्य प्राप्त करने की विविध पद्धतियों को लेकर हमारे समक्ष ठहरता है। मौलवी अब्दुल हक ने अपने छोटे से ग्रंथ उर्दू की इब्तदाई नशोनामा में सूफी कराम में सूफी का परिचय दिया है कि धर्म और आचरण के क्षेत्र में सूफी अपना विशिष्ट स्थान रखता है, वह देश व वर्ग से परे है, प्रत्येक धर्म और वर्ग में उसका अस्तित्व है। बाह्य आचरण को स्थान न देकर वह आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देता है। ये दक्षिणी का ही है सर, टोटल दर्शन पर बात हो रही है। नहीं नहीं ठीक है, अभी दक्षिण नहीं सर, उसके हवाले से कीजिए जी सर, संक्षिप्त समय का। ठीक है सर, दक्षिणी भाषा में सूफी साहित्य जी सर, संक्षिप्त प्रकाशा जी, इसलिए पांचाल जी को भी बुलवा रहे हैं समय की सीमा। शांतिपूर्वक धर्म प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुसलमान सूफी और दरवेशों ने किया है। यह 11वीं शताब्दी से आरंभ हो गया था। सन 1004 से शेख इस्माइल सूफी संघ के बुखारा से भारत आए और सैकड़ों को मुसलमान बनाया। सन 1037 में अब्दुल्ला यमनी ने गुजरात में धर्म प्रचार किया और 12वीं और 13वीं शताब्दी में दक्षिणी सूफी संतों का आगमन और प्रचार बढ़ता ही गया। भारत में सर्वप्रथम सूफियों का प्रवेश हुजूरी के आगमन के साथ हुआ है और हुजूरी की मृत्यु सन 1026 में हुई है। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के आगमन से सूफी मत का अभूतपूर्व विकास हुआ है और उत्तर भारत के मुगल राज्यकाल में और दक्षिण में स्वतंत्र राज्यों के शासनकाल में सूफी साधना का विशेष विकास हुआ है।
दक्षिणी में बहमनी शासन काल में सूफी साधकों का विशेष उत्थान हुआ है। सन 1347 में हसन गंगू ने सुल्तान अब्दुल मुजफ्फर और अलाउद्दीन जैसे बहमन शाह के नाम से जिस साम्राज्य की स्थापना की थी वह 18वें शासक कलीमुल्ला सन 1537 के काल तक कायम रही है। इस 80 वर्षों की अवधि में सूफी मत का प्रचार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की किया है। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुराज ने सन दक्षिण में सूफी परंपरा की नींव डाली है। शाह मीराज शमशुल शाह, शाह बुरादुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन अली और शाह सदरुद्दीन सूफी साधकों ने अपनी साहित्यिक और सैद्धांतिक कृतियों से सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। भारत में सूफी संप्रदाय वैसे तो काफ़ी है, लेकिन भारत में सूफी के 4 संप्रदायों का विशेष रूप से योगदान रहा है। वे है चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादरिया और नक्शबंदिया। तवस्सुम तसफ़ु अथवा सूफी मत इस्लाम धर्म के अंतर्गत आता है, अतः सूफियों ने इस्लाम धर्म के अनुकूल ही अपनी साधना पद्धति का विकास किया है। सूफी साधक इस दृष्टि जगत में परम सत्ता का आभास देखता है और उसकी साधना उस परमात्मा के साक्षात्कार तथा उसमें लीन होने के लिए होती है, और उस परम सत्ता में लीन होकर फना होकर बका हो जाने के लिए सूफी मार्ग अथवा साधना पथ पर अग्रसर होता है। साधक शरीयत, तरकियत और मारिफत के पद अग्रसर होकर कुछ मुकामातों, सोपानों और हाल की अवस्थाओं को पार कर फनाफील और हकीकत को प्राप्त करता है अथवा परम सत्ता में अपने अस्तित्व का विलय कर देता है। सूफियों ने 4 लोकों का भी प्रतिपादन किया है जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप पर उनका प्रभाव पड़ा है। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, ये 4 लोकों का भी उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिण के सूफी साहित्यकारों को दो कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है बहमनी काल और दूसरा है कुतुबशाही काल। बहमनी काल के प्रमुख सूफी साहित्यकारों में ख्वाजा बंदे नवाज मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी, निज़ामी, मीराजी, शमसुल नाम उल्लेखनीय है। कुतुब शाह के काल में बुरहानुद्दीन जानम, मोहम्मद अली गवादी और वजही मुल्ला वजही आदि प्रमुख है। दिल्ली में तैमूरलंग के अत्याचारों से परेशान होकर सपरिवार सूफी साधक हजरत बुरहानुद्दीन की गरीब के साथ दक्षिण में आकर दौलताबाद में रहने लगे। ख्वाजा बंदे नवाज दिल्ली लौटकर ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग के शिष्य बने। पुनः दक्षिण लौटकर गुलबर्गा के सुल्तान फिरोज शाह बहमनी के आश्रित रहे। चमत्कारी कार्यों के कारण बंदे नवाज हिंदू और मुसलमानों की जनता में बहुत लोकप्रिय हुए और इनकी आरंभिक रचनाएं फारसी में हैं, किंतु दक्षिण की जनता के लिए भी आपने कुछ रचनाएं की है जिनका दृष्टांत दिया जा रहा है। मेराजुल आशकीन और हिदायतनामा, रिसाल, बारहमासा आदि दक्षिण में लिखी है। मेराजुल आशकीन में 20-21 पृष्ठों में लिखा हुआ एक छोटा सा ग्रंथ है। उसमें डॉक्टर अब्दुल हक ने ताजा प्रेस 1925 में हैदराबाद से प्रकाशित करवाया था। सूफी संतों ने पंच तत्वों के बारे में उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर द्रष्टव्य है। होर में माटी, माटी में पानी और माटी में आग, माटी में बारा, माटी में खाली। इन पंक्तियों के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए इन 5 तत्वों को जानना अत्यंत जरूरी है। काव्य साहित्य के अंतर्गत ख्वाजा बंदे नवाज ने हिदायतनामा, शिकारनामा, रिसाला बारहमाना दक्षिण में लिखा है। ईश्वरीय शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं आशिक उस पीव का जिन्होंने मुझे जीव दिया, ओ पीव मेरे जीव का जो बुरका बना है। जीवन पर छा जाता है। ईश्वर और भक्त के एकीकार की भावना को बड़े सुंदर और सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करते हुए लिखे हैं। पानी में नमक डाल मजा देखना कैसे, जब घुल गया नमक तो नमक बोलना किसे। ख्वाजा कमलुद्दीन विमानी के शिष्य शाह मीराजी दक्षिण के प्रसिद्ध लोकप्रिय सूफी साहित्यकार रहे हैं। इनका समय 1493 के आसपास है। ये बीजापुर के निवासी थे। मृत्यु से कुछ वर्ष पहले ही शाहपुर में रहने लगे, यही उनका देहांत हुआ। उनकी सूफी रचनाएं निम्नलिखित है: खुशनामा, खुशनंगज, शहादुल हकीकत। इनमें मीराजी ईश्वर के प्रभुत्व और भक्ति की एकाग्रता और गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। खुशनंगज में मीराजी ने प्रश्नोत्तर शैली में ईश्वर विचार तत्वों को बड़े सुंदर और सशक्त ढंग से समझाया है। इसमें शिष्य प्रश्न करता है तथा गुरु अर्थात कवि अपने उत्तर में सूफी विचारों को अभिव्यक्त करता है। उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर द्रष्टव्य है: खुश पूछे कहो मीराजी आलम कैसे कीते, पीर कहे सुने जिले तन अच्छे आलम तीते। मीराजी ने अक्ल और इश्क विषय में भी कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है: खुश कहे मुझे कहो मीराजी इश्क बड़ा या बूझ, पीर कहे मैं लिखूं बयान इसमें धरना शोध। ठीक है सर, सीधा निष्कर्ष पर आ जाना। ठीक है।
जी सर आते हैं। कुतुब शाह काल के दक्षिण में केवल बोलचाल की भाषा न कर साहित्य भाषा का स्थान प्राप्त करती है। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकारों में मुल्ला वजई का नाम सर्वोच्च है, इसलिए मुल्ला वजई का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी दक्षिण में यह साहित्य या जो उनकी जिनके द्वारा लिखी रचित रचना है, अगर उसका उल्लेख अगर नहीं होगा तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाकर अपना भाषण समापन करना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पर वजही ने स्वयं मुश्तरी के विषय में लिखा है, कुश्तरी मुश्तरी में जो बोल्या किताब, सो हुई जग में रोशन क्यों जो आफ्ताब। इस पद रचना में सूफी सिद्धांत के लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्याख्या की गई है। वजही की दूसरी ठीक है, वजही की दूसरी प्रसिद्ध रचना दक्षिण गद्य का मील का पत्थर है। वह सबरस में इसमें ईश्वरीय ज्ञान को गहन तत्वों को समझाया गया है। ख्वाजा बंदे नवाज मीराजी जाना माजी दक्षिण के प्रमुख साहित्यकारों ने लौकिक जीवन के आधार पर परलौकिक साधना के महत्व को प्रतिपादित किया है और दक्षिणी का सूफी साहित्य भक्ति से ओतप्रोत है। दक्षिणी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साहित्य की दोनों विधाएं गद्य और पद्य आज बिल्कुल सुरक्षित है। दक्षिणी साहित्य में असंख्य ग्रंथ है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इन सब ग्रंथों का उल्लेख करना बहुत ही असंभव सा कार्य लग रहा है, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वक्तव्य अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा।